विद स्टीम एज पर द फॉलोइंग रिएक्शन. ठीक है, रिएक्शन है ये सी एच फोर प्लस एच टू गोज टू सी ओ प्लस एच टू. क्वेश्चन बी पार्ट कह रहे हाउ विल द वैल्यू ऑफ के पी एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम बी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर यूजिंग अ कैटलिस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक चीज, किसी भी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो के पी के सी चेंज नहीं होते. तो ये चीज याद रखना है, के पी क्या है, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, यानी वो इक्विलिब्रियम पे क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट. पहली चीज ये दैट के सी एंड के पी डू नॉट चेंज फॉर अ रिएक्शन अनलेस एंड अंटिल टेम्परेचर चेंज किया हो. यहां पे टेम्परेचर चेंज किया है? नहीं. अनलेस एंड अंटिल टेम्परेचर इज चेंज. अगर टेम्परेचर चेंज किया जाता है तभी केसी और केपी चेंज होते हैं, अदरवाइज कभी चेंज नहीं होते. तो पहला क्वेश्चन कह रहा था, पहला पार्ट कह रहा था हाउ विल द वैल्यू ऑफ केपी चेंज, तो वैल्यू ऑफ केपी विल नॉट चेंज. ठीक है, क्लियर है पॉइंट. दूसरा पार्ट कह रहा है व्हाट इज हाउ विल द कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी चेंज. तो ये चेंज हो सकता है, कॉम्पोजिशन चेंज हो सकती है, यानी प्रोडक्ट के मोल्स बढ़ सकते हैं, रिएक्टेंट के कम हो सकते हैं एंड वाइस वर्सा. इसको देखने के लिए हमें वही करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेशर को हमने इंक्रीज किया, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड तो रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर गैस मोल्स या हायर गैस मोल्स. लेसर, प्रेशर बढ़ाया तो मोल्स कम करके वो जाएगा, मोल्स कम करेगा तभी प्रेशर कम होगा. तो अब तुम इस रिएक्शन में देखो कि फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन या बैकवर्ड. सी एच फोर प्लस एच टू कहां जाएगी? बैकवर्ड. बैकवर्ड जाएगी. क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट में है दो मोल्स और प्रोडक्ट में है चार मोल्स गैस के, है ना, CO और H2 के टोटल चार और CH4 और H2O के एक एक. तो इस केस में रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड. ये बात क्लियर हुई? यस और नो, एनीवन हैज डाउट तो प्लीज माइक पे बोल दो. ठीक है, हाँ, प्रेशर बढ़ता है तो सिस्टम क्या करेगा, उल्टा. तो प्रेशर कम करने के लिए मोल कम करे जाएंगे. लीच एटली प्रिंसिपल है, तुमने जो एक्सटर्नली किया उसको सिस्टम उल्टा करेगा. तो तुमने बाहर प्रेशर बढ़ाया तो मोल्स को कम करना है. ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कभी भी कि भाई प्रेशर बढ़ाया है, प्रेशर बढ़ाया है तो तुम्हें प्रेशर कम करना है. तुमने तुम्हें जो कंडीशन दी गई चेंज उसको उल्टा करना है. लीच एटली कहता है उल्टा करो, बस बाहर एक्सटर्नली. ये तीन क्वेश्चन पूछने हैं. तुमने क्या किया, पहला क्वेश्चन होता है तुमने क्या किया, तुम्हें जो पार्ट में दे रखा है वो तुमने किया, तुमने किया इंक्रीजिंग द प्रेशर. दूसरा क्वेश्चन तुम्हें दिमाग में सोचना है, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम क्या करेगा. अब इस पॉइंट पे तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जो चीज क्वेश्चन में गिवन है उसका उल्टा बोलना है. तो तुमने क्या किया, तुमने प्रेशर बढ़ाया, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम प्रेशर डिक्रीज करना चाहेगा. अब तीसरा क्वेश्चन तुम्हें पूछना है कैसे प्रेशर डिक्रीज कैसे होगा. प्रेशर डिक्रीज करने के लिए मोल डिक्रीज करने, मोल डिक्रीज करने के लिए देखो रिएक्टेंट में कितने मोल है, दो, और प्रोडक्ट में कितने हैं, चार. तो मोल कम कैसे होंगे, रिएक्टेंट की साइड या प्रोडक्ट की साइड, दो की साइड या चार की साइड, दो की साइड. तो यानी कि रिएक्टेंट की साइड, रिएक्टेंट की साइड आना इज फॉरवर्ड या बैकवर्ड. तो जब भी तुम क्वेश्चन करो तो तुम तीन क्वेश्चन सोचो. तुम पहले सोचो तुमने क्या किया, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम कैसे करेगा. तीन चीजें पूछोगे उसमें तुम्हें आंसर मिलेगा. अगर तुम डायरेक्ट फर्स्ट से रिलेट करना चाहोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे. तुम सोचोगे सीधा इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीजिंग प्रेशर मोल्स को बढ़ा देता हूं क्योंकि इंक्रीज करना है, इंक्रीज नहीं करना, उल्टा करना है. ठीक है, क्लियर है हर्षित?